मेरा नाम डॉक्टर वसीम जावेद है, मैं कंसल्टेंट फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। मैंने अपनी बीएससी फिजियोथेरेपी किंग एडवर्ड से की, जहाँ मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा। इसके अलावा मैंने रिफा से एमफिल किया, एक और एमफिल मैंने किया एडिशनल, जो कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से किया मस्कुलोस्केलेटल में। मैंने टीचिंग मेथोडोलॉजी में एक साल का डिप्लोमा भी किया है, कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी हैं अलॉन्ग विद नेशनल सर्टिफिकेशंस। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस एक न्यूजीलैंड बेस्ड, यूके बेस्ड और सिंगापुर बेस्ड है। तीनों सर्टिफिकेशंस जो हैं मैंने डिफरेंट रीजन से किए हैं, दो जद्दा से किए हैं और एक दुबई से की। कुछ कोर्सेज जो कि मैंने पाकिस्तान से किए, उसमें एक्यूपंक्चर, ड्राई नीडलिंग है और काइनेसियो टेपिंग है। मैं स्पेशलाइज्ड हूँ ऑर्थोपेडिक फिजिकल थेरेपी में, इसके अलावा स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी में और पीडियाट्रिक्स फिजिकल थेरेपी में। जो कॉमन प्रॉब्लम में डील करता हूँ वो सेरेब्रल पाल्सी की हैं। मैं आजकल शालामार हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में काम कर रहा हूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट फिजिकल थेरेपिस्ट। इसके अलावा एक प्राइवेट क्लिनिकल प्रैक्टिस करता हूँ, एओ ऑर्थोपेडिक्स एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक कैंट में, प्लस बरकत मार्केट में नबील हॉस्पिटल में भी प्राइवेट क्लिनिकल प्रैक्टिस करता हूँ, जहाँ मैं डेली बैठता हूँ। फिजियोथेरेपी दौरे हाजिर का एक बहुत अहम और ज़रूरी शोबा है, जिसमें हम बग़ैर ऑपरेशन और बग़ैर इंजेक्शन के जोड़ और पट्टों की बहाली करते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन के बाद जॉइंट्स और मसल की मूवमेंट्स को भी हम रीगेन करते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरह के स्पोर्ट्स इंजरीज़ के पेशेंट्स भी आते हैं, जिसमें कॉमन इंजरीज़ हमारे पास हमारे नी की इंजरीज़, एंकल इंजरीज़, शोल्डर इंजरीज़ होती हैं। हमारे पास फिजियोथेरेपी में तमाम उम्र के पेशेंट्स आते हैं, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हम ट्रीट करते हैं। बच्चों में जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिसे हम सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं, जिसमें बच्चे चल फिर नहीं सकते यूजुअली, उस तरह के पेशेंट्स को भी हम दोबारा से एक्टिव करते हैं और फंक्शनल रीगेन्स उनके दोबारा से ले लेते हैं। हमारे पास जो बूढ़े पेशेंट्स आते हैं, यूजुअली डॉक्टर्स यूजुअली सजेस्ट कर देते हैं पेशेंट्स वॉक ना करें, बेड रिडन हो जाएं, अब आइंदा से आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, ज़मीन पे नहीं बैठना। लेकिन फिजियोथेरेपी प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम ये तमाम चीज़ें दोबारा से रीगेन करते हैं, इवन सीढ़ियाँ चढ़ना, नीचे बैठना, ये हम तमाम चीज़ें पॉसिबल कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी में जब हमारे पास पेशेंट आता है, तो हम उसके एक स्ट्रक्चर या एक जॉइंट को ट्रीट नहीं करते, बल्कि हम उसको एज अ होल लेते हैं। अगर पेशेंट फॉर एग्ज़ाम्पल शोल्डर की प्रॉब्लम के साथ है, तो हम उसकी एल्बो, बैक, हर चीज़ असेस करते हैं, सो दैट ये जितनी इंटरलिंक प्रॉब्लम्स हैं दैट कैन बी ट्रीटेड इन ए गुड मैनर। सेकेंडली, हमारे पास जो कॉमन कंडीशंस आती हैं फिजियोथेरेपी में, उसमें फ्रोजन शोल्डर, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंकल हील पेन, नेक पेन, लो बैक पेन, दीज आर द मोस्ट कॉमन कंडीशंस जो कि हम ट्रीट करते हैं और पेशेंट्स रिकवरी में आ जाते हैं। हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर डॉक्टर्स इज़ कि मेरे पास जब पेशेंट आते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, हम उसकी स्ट्रॉन्ग असेसमेंट करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग असेसमेंट जो है वही डायग्नोसिस की तरफ लीड करती है और बेस्ट ट्रीटमेंट उससे हम इंट्रूड करवाते हैं, निकालते हैं। तो हमारा बेसिक तरीकाकार यही है कि बेस्ट असेसमेंट की जाए और आफ्टर दैट हम उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस दें। कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें मैनुअल थेरेपी है, मैनिपुलेशंस हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटीज़ हैं, रिहैबिलिटेशन है जो कि फ़िज़िकल रिहैबिलिटेशन कहलाती है, एक्सरसाइज थेरेपी है, इसके अलावा फेशियल थेरेपी है जिसमें हम सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ करते हैं। ये हमारी बेसिक स्पेशलिटीज़ हैं। सेरेब्रल पाल्सी में जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो फंक्शनल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम फंक्शनल लिमिटेशंस पहले देखते हैं और वही स्पेसिफिक लिमिटेशंस पे हम काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे पेशेंट हमें रिकवर कर जाता है। मोड ऑफ ट्रीटमेंट में ये है कि हमारा टारगेट होता है शॉर्ट टर्म प्लान बनाना, रादर देन एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लान बना लिया जाए। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म प्लान डिवाइस करते हैं, पेशेंट को बताते हैं इतने टारगेट में हम आपकी ये रिकवरी ले लेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम वो रिकवरी जो पेशेंट को टारगेट देते हैं उसमें रिकवरी ले लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम हो गया कि मैं डिफरेंट जगहों पे एज ए कंसल्टेंट बैठता हूँ, तो आप मेरी अपॉइंटमेंट के लिए मरहम की ऑनलाइन बुकिंग सेक्शन से अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।